हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एमपीपीएससी 2019 मेंस को लेकर जो अपडेट आ रही है उससे अवगत कराऊंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको एमपीपीएससी से जुड़ी हुई हर अपडेट मिलती रहे एवं व्यापम एग्जाम्स से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स भी हम आपको देते रहते हैं। तो अपडेट यह है कि कल यानी कि 13 मार्च 2021 सुबह 11 बजे से एमपीपीएससी 2019 मेंस को रोकने के लिए एमपीपीएससी के छात्र ट्विटर पर कैंपेन चलाएंगे, मुहिम चलाएंगे, जिसके माध्यम से वह जिम्मेदार लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, जिसमें दो हैशटैग इनके माध्यम से ट्रेंड करवाए जाएंगे ट्विटर पर। पहला हैशटैग है जस्टिस फॉर एमपीपीएससी स्टूडेंट्स और दूसरा है स्टे एमपीपीएससी मेंस 2019 एग्जाम। एक बार फिर से सुन लें, जस्टिस फॉर एमपीपीएससी स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको लिखना है जस्टिस, उसके बाद आपको फॉर एमपीपीएससी स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्टे एमपीपीएससी मेंस 2019 एग्जाम। आप इसके लिखने का तरीका अच्छे से देख लें ताकि ऐसा ना हो कि सभी बच्चे अलग अलग तरीके से इसको ट्रेंड करवाएं, क्योंकि जो भी बात आपको अपने जिम्मेदार लोगों तक पहुंचानी है तो आपका जो हैशटैग है वह एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि अभी जो 11 मार्च को ट्रेंड करवाए गए हैं हैशटैग, मैं उनकी चर्चा करूंगा, वह ट्रेंड में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग नाम से टैग कर रहे थे, इसलिए वह नंबर वन ट्रेंड नहीं बना। तो आप देख लीजिए जस्टिस, उसके बाद फॉर एमपीपीएससी स्टूडेंट्स, हैशटैग स्टे एमपीपीएससी मेंस 2019 एग्जाम, इसको इसी तरह से लिखना है, याद रखेंगे। तो कल की अपडेट यही है कि कल से ट्विटर पर एमपीपीएससी 2019 मेंस की परीक्षा को रोकने के लिए एमपीपीएससी के विद्यार्थी ट्विटर पर कैंपेनिंग चलाएंगे, अपनी बात जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने के लिए वह ट्विटर का सहारा लेंगे, सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। कल सुबह 11 बजे से सभी विद्यार्थियों को तैयार रहना है, मैं आप सभी के साथ हूं। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर बात पक्ष या विपक्ष की नहीं है, यहां पर बात संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय यह टिप्पणी कर चुका है, बता चुका है कि जो चयन होना था एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में वह मेरिटोरियस बेस पर होना था, जो कि नहीं हुआ, इसलिए यह परिणाम यह लगभग तय हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय के स्टेटमेंट से कि वह संतुष्ट नहीं है। तो इस पर स्टे 15 मार्च को आ सकता है और कल ही मैंने आपको बताया था, जैसे कि मेरी कई छात्रों से ग्रुप्स में बात चल रही है, उन्होंने बताया कि हम अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है या हमको न्याय में कहीं कोई कमी कसर लगती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं इसको लेकर। तो वही खबर मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर एक बात क्लियर कर दूं आपको कि कुछ बच्चे इस बात को लेकर नाराज हैं जिनका चयन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में हो गया है और मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तो वह इस बात से नाराज है कि यह मुहिम क्यों चलाई जा रही है, मुख्य परीक्षा को नहीं रोका जाना चाहिए। तो हाल ही में इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा जो है वो निरस्त कर दी गई है। एक और न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखा देता हूं, कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की मैप आईटी करेगा जांच, दोषियों पर होगी एफआईआर। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको यह दिखा रहा हूं क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी हुई जिस वजह से यह परीक्षा निरस्त कर दी गई। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं यह नहीं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इतनी मेहनत से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कल के दिन किसी कारणवश यह परीक्षा निरस्त कर दी जाए और फिर से आपको मेंस की परीक्षा देनी पड़े, क्योंकि हाल ही में ऐसा हो चुका है जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया। साथ ही कल जो ट्रेंड कर रहा था उसके बारे में आपको बता देता हूं, 11 मार्च को एक विद्यार्थी है नितिन कुमार, यह भी आईबीसी 24 न्यूज के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था, इन्होंने टैग किया चौहान शिवराज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको, पीएमओ इंडिया आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया को, आज तक को आईबीसी 24 न्यूज को, लेकिन
यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इन्होंने, डियर सर आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि एमपीपीएससी के हजारों इंस्ट्रक्शन के बाद भी रिजर्वेशन में गलती कर रहा है, ये प्रदेश के 85 स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट स्टे ऑन मेन्स, भोलेनाथ हमारी रक्षा करें। तो कल ये 11 मार्च का ट्वीट है नितिन कुमार का, आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो IBC 24 के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, रेज किया गया, उसको इन्होंने रिप्लाई किया। इसके बाद आभा कौशल का भी ट्वीट यहाँ पर एक विद्यार्थी का दिख रहा है, इन्होंने वी वॉन्ट स्टे के नाम से। तो यह ट्रेंड में क्यों नहीं आए, यह ट्रेंड में ना आने का एक कारण यह था कि सभी विद्यार्थी अलग अलग हैशटैग से क्या कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पर कोई भी हैशटैग ट्रेंड तभी करता है जब वो एक जैसा होता है, इसलिए आप सभी बच्चे जो हैशटैग का यूज करेंगे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जस्टिस फॉर एमपीपीएससी मेंस, माफ कीजिए, जस्टिस फॉर एमपीपीएससी स्टूडेंट्स, और दूसरा है स्टे एमपीपीएससी मेंस 2019 एग्जाम, इसको ऐसे ही लिखना है, हैशटैग के साथ ही इसको ट्रेंड करवाना है। देख लीजिए अच्छे से, ऐसी गलती ना करें आप लोग, नहीं तो ट्रेंड नहीं करेगा। और जो विद्यार्थी इस बात से नाराज हैं कि एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा के लिए स्टे क्यों मांगा जा रहा है, मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से छात्रों के साथ जो अन्याय हो उसके खिलाफ अपनी मांग उठा रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं। और यहां पर भी देखिए ये जो 10 मार्च का स्टेटमेंट है 2021 का, यहां पर जो है एमपी हाई कोर्ट क्या कह रहा है, माननीय उच्च न्यायालय क्या कह रहा है, देख लीजिए। पीएससी परीक्षा 2019 की एवं राज्य सेवा परीक्षा भर्ती नियम 2015 में संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले पिटिशनर उग्रसेन वरकड़े एवं दिव्येश पटेल की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा प्रस्तुत याचिका क्रमांक 5594/21 पर सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य शासन को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा, ये इस लाइन का मतलब क्या समझा जाए, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंदिरा शाहनी से लेकर दिनांक 5 मार्च 2021 तक पारित हजारों निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनारक्षित पदों पर चयन सिर्फ मेरिटोरियस यानी कि प्रतिभावान अभ्यर्थियों का ही चयन करने का प्रावधान है। अब आप बताइए कि राज्य शासन को आड़े हाथों लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए कि जो ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 हुआ है इसमें गड़बड़ी हुई है या फिर गलती हुई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो इसको सुधारा जाना चाहिए। और भी आप देख सकते हैं इसी के संबंध में जितनी भी 38 याचिकाएं हैं इनकी सुनवाई 15 मार्च को की जानी है। तो जहां तक ये पूरा स्टेटमेंट जो आया था आपका, इसको देखकर तो यही लगता है कि 15 मार्च को हाई कोर्ट से जो विद्यार्थी हैं परेशान उनको न्याय मिल जाएगा, और अगर किसी भी तरह से न्याय से संतुष्टि नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, उसको भी हम उपयोग में लाएंगे। और जस्टिस फॉर एमपीपीएससी स्टूडेंट्स, साथ ही स्टे एमपीपीएससी मेंस 2019 एग्जाम, ये आपको ट्रेंड करवाना है।